सो हेलो एवरी वन, खमा गणेशा, वेलकम बैक टू आर टुडेज व्लॉग। और मैं बार बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बार बच्चा सो रहा है और जयपुर का मान है आज जो ठंड हो रही है, मतलब गजब। तो जी आज का मौसम का हाल ये है कि मतलब जयपुर में हवा इतनी ठंडी चल रही है, ओए होए। और हमारे चन्नूर मन्नू दोनों सो रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। भाई चू 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 तो कर रहा है, पता नहीं पीछे से पता ही नहीं लगता। रुद्र चींची कर रहा है यार, वृद्धि चींची कर रही है। रिद्धि कर रही है चींची चींची। इसने किंग का पहना हुआ है ताज, इसने स्टार्स का पहना हुआ है। सो जा बेटा, सो जा। इसका मम्मा सो रहा है अभी। मम्मी जस्ट नीचे गई है और मेरे को भेज दिया ऊपर इंचार्ज। तो अभी नीतू तो सो रही है क्योंकि भाई रात को नींद नहीं होती, बच्चे उठते हैं करते हैं, तो इसलिए अभी मैं आया हूँ ऊपर कि भाई रोए करे बच्चे तो मैं थोड़ा सा बहुत देख लूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं संभाल सकता, बाकी थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, सीख रहा हूँ भी। अभी हमारे तीनों बच्चे सो रहे हैं, ये बड़ा बच्चा है, बाकी दो छोटे बच्चे हैं। तो ये अभी सो रहे हैं, मैं इनको डिस्टर्ब करूँगा नहीं क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाऊँगा या मैं कुछ करूँगा, ऑफिस का काम करूँगा, इनको भी डिस्टर्ब नहीं करते। लाइट वाइट बंद कर देता हूँ। तो जी बच्चे अभी मतलब 7:30 बजे बच्चों ने दूध पिया था, इसलिए अभी बच्चे बिंदास सो रहे हैं। तो मैं भी फालतू इनको ज़्यादा डिस्टर्ब करूँगा नहीं, अभी उठ गए तो फिर वही महाभारत हो जाती है इनकी। और ठीक है मैं जाता हूँ अभी नीचे, तीनों सो ही रहे हैं भाई, खराटे मार रही मोटी मोटी खराटे मार रही है, अभी भड़क जाएगी मेरे ऊपर। मेरे को चोने नहीं देते। अभी चाय बन रही है, बन गई नहीं सर्दी में भाई, गरम गरम चाय, ऐसे लगता है जन्नत है। परसों आ जा सुबह सुबह का नाश्ता करें, चौकड़ी का लड्डू ले, एक लड्डू तेरा एक लड्डू मेरा, सुबह सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता ही है ये ले, चीयर्स करो। चीयर्स। मामा का तो पहले से ही खाया हुआ था। मेरा तो अभी खाया। अपन खाएंगे लड्डू और चाय, ठीक है? मोटे की चाय, मोटे चाय, चाय गरम। गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। लो भाई चाय आपकी, चाय बिस्किट मैरीगोल्ड। कभी कभी पता है मोटे, पहले है ना मैरीगोल्ड मतलब अपने आप में बहुत बड़ा नाम था क्योंकि तब पार्ले जी मिला करते थे, और आजकल मैरीगोल्ड हम खाते नहीं है। जय श्री राम मम्मी। मम्मी आज बहुत टाइम बाद में आप आए हो वापस व्लॉग में, कल ही आए थे क्या? ओके मम्मी, पर अपना दिन रोज नया दिन शुरू होता है नहीं, तो रोजाना एक नया दिन है, रोजाना एक नई सुबह है। एवरीवन, खम्मा गणेशा एंड गुड मॉर्निंग। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई और ये ऑफिस जा चुके हैं क्योंकि अभी बज रहे हैं 10:30, इनको ऑफिस जाना था और मैं लेट उठी क्योंकि रात को ये सोया ही नहीं। मैं रुद्र को लेकर बैठी थी 1.5-2 घंटे, बड़ी मुश्किल से सोया, उसको सोने के बाद फिर मैं सोई, उसके बाद फिर 5-4 बजे उठ गए थे, फिर वही सब फीड वगैरह कराना। और फिर उसके बाद ये एक बार उठ जाते हैं तो फिर या तो उठते नहीं, और उठते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है सुलाना बच्चे को। तो सारा काम लेट हो गया और आज बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। हालांकि मैं बाहर नहीं गई पर खिड़की विंडो से, विंडो के कर्टन हटा दिए मैंने, तो उससे पता चल रहा है सामने वाली विंडो से कि पेड़ों की हवा इतनी तेज़ चल रही है, मम्मी बता रहे हैं। और धूप भी नहीं है आज, थोड़ी बहुत हल्की धूप निकलती है फिर बादल हो जाते हैं, तो इसलिए आज हम इनको नहीं नहलाएंगे, बेटर है कि अवॉइड करो। हम भी तो नहीं नहाते जब ठंड लगती है, तो ये तो यार फिर भी बच्चे हैं, तो इसलिए आज नहीं नहलाएंगे। आज मम्मी वैसे ड्राई क्लीन कर रही है कि मालिश कर रही। दूध पी लिया भाई बच्चा, रिद्धि ने दूध पिया है ना मम्मी? रिद्धि हाँ, ये तो कन्फ्यूज हो रोज हूँ, ये रुद्र ये रिद्धि, और आज इन्होंने पहनी है चंदर चंदर ड्रेस। मम्मी ये किसको गई है बताओ? ये बिल्कुल सेम टू सेम नीतू पे गई है ये। हाँ। अनु मम्मा हाँ। बिल्कुल सेम इसकी शक्ल, इसके नाक सब टोटल इस पे। और ये हमारा चंदू प्रकाश, ये आज इसको ये ड्रेस पहनाई थी, कितना चुंदर चुंदर सी ड्रेस, मेरे को इसकी ज्यादा अच्छी लगी ड्रेस है ना।
इसकी भी सुंदर है पर इसकी सबसे ज्यादा सुंदर लगी मेरे को वाइट ड्रेस। है मम्मा ये किसको गया है? तो रंग सेम होता है यहाँ तो नहीं पर आ तो सेम है नीतू ने गई है और ओ कांटे कुंडने गया आल तक ओ हाँ सेम चोर गया था आप पे गया वो किसको गया है आप पे गया है मेरे पे गया है नहीं यार हाँ इसके नैन ना साफ जैसे ही नाग भी आप जैसी है हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक यही बातें होती है कि गया किसको है इसकी तबीयत ऐसे रहती है इसकी आदतें ये हैं इसकी आदतें वो है ना तो अभी हाल फिलहाल यही एंजॉयमेंट है हमारा। तो सुबह से शाम हो चुकी है और आज पूरा दिन भाई पता ही नहीं चला पूरा दिन मतलब वैसे तो रोज ही बिजी रहता है कुछ ज्यादा ही था पूरा दिन हो गया मुझे इन दोनों को संभालते हुए आज सोए ही नहीं और पूरे दिन डायपर चेंज करने में ही लगा रहा। आज सुबह से सुसु पोटी इनका नाम ही सुसु पोटी रख देना चाहिए बट ऐसा कुछ हाँ 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 बेटा अब दो दो को एक साथ संभाल लो यार मम्मी भी नीचे ये भी खाना खा ले और क्या है मतलब ऐसा कुछ अरे हाँ बस बेटा और ऐसा कुछ मतलब चिंता वाली बात नहीं होती अगर बच्चा दिन में दो बार चार बार दस बार पोटी कर रहा है ऐसा कुछ नहीं कभी बच्चे चार दिन में भी एक बार कर लेते हैं दिन में एक बार भी दो भी पांच बार भी या नहीं भी करते हैं कई दिन तो इट्स ओके। तो अभी मैं अकेली हूँ और इनके पापा को आज फुर्सत नहीं है सुबह से बाहर है पहले ऑफिस उसके बाद दोस्तों के साथ बाहर थे किसी काम से बाहर गए थे फिर अभी दोस्तों बाहर ही डिनर विनर करके आएंगे और मैं अकेली संभाल रही हूँ कोई साथ में होता है ना तो फिर थोड़ा वो हो जाता है दोनों एक साथ रोने लग जाते हैं। वो सो रही है सोते सोते नींद में चिल्ला रही है उसे थोड़ा सा ऐसे थपथपा दिया तो सो गई और रुद्र मेरी गोदी में है कर रहा है इसको फीड भी करा दी उसके बाद और मुझे कमेंट में भर भर के लोग बोलते हैं बैठो माता अरे बैठू नहीं तो क्या करूं। अब मैं पहले जैसी लाइफ चल रही थी अब मैं एक माँ भी हूँ मदर भी हूँ तो मैं अपने बच्चों से रोता हुआ नहीं छोड़ सकती बैठना पड़ता रही नए बच्चे इनको भी फीड करना नहीं आता है अब ये दुनिया में आए 20 दिन के पूरे मुश्किल से हुए हैं पहले इनको माँ के पेट में मतलब मेरे अंदर सब कुछ मिलता था कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी अब बाहर है तो इनको नहीं पता है बाहर की दुनिया में कि हर चीज़ मेहनत करके खानी पड़ती है अब इनको नहीं पता है फिर भी मेरे बच्चे काफ़ी मतलब ठीक है तो फिर भी इनको मतलब फीड वगैरह तो कर लेते हैं बट इनको उतने अच्छे तरीके से नहीं आता तो ये भूखे रह जाते हैं तो इसलिए ऊपर का भी पिलाना पड़ता है बैठे बहुत ज़्यादा रहना पड़ता है ट्विंस में तो खासकर। तो अब एक माँ अपने बच्चों के लिए नहीं करेगी तो कौन करेगा मम्मी भी मेरे साथ करते हैं हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं बट जो मैं कर सकती हूँ वो मम्मी थोड़ा ना कर सकते मैं माँ हूँ और मैं ऐसे इनको रोता हुआ देख नहीं सकती तो मुझे बैठे रहना पड़ता है कभी कभी एक बेबी 15 मिनट भी फीड कर लेता है कभी आधा घंटा भी हो जाता है कभी एक घंटा भी हो जाता है और ये आ गए चोर मतलब ही कहीं के अब आए पूरा दिन निकल गया ये नहीं कि मेरी बीवी अकेले संभाल रही होगी। भाई साहब जो बाहर मतलब जो हवा है ना मतलब मैंने अपने जीवन काल के अंदर इतनी ठंडी लाल हो रहा है आंखें लाल हो रही है अरे भयंकर ठंड मतलब यार हवा इतनी भयंकर ठंड बच्चों की वो नहीं हुई आपको फिक्र की चलो तभी तो आ गया फटाफट हाँ, फटाफट 9 बज रहे हैं अब 9 तो बजे भी और क्या 11 बजे थी रात के आया था फिर मैं गब्बू अब्बू को घुमा के लाया मैं हाँ बेटा हाँ तुम्हारे पापा को फिक्र नहीं है तुम्हारी अब मेरा बेटा याद आ रहा है बताओ चुचू कर दिया दिखता है किया क्या मेरे को तो ठंडे हाथों में पता ही नहीं लग रहा नहीं नहीं किया और जो आ जाओ मेरी बेटी है ये तो ये मेरा जिगर का टुकड़ा है मेरा जिगर का छल्ला है आ जाओ मेरे जिगर के छल्ले आ जाओ मेरा बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ ओ मेरा बेटा कहाँ हो गया मेरी बेटी के कहाँ हो गया मम्मी ने पिट्टी पिट्टी कर दी बेटी की चलिए मम्मी तो सुबह से संभालने में लग रही है गायब थे लास्ट में आके पूरा क्रेडिट ले लेते हैं कि मम्मी ने कुछ नहीं किया बढ़िया है बेचारी मम्मी तो खाना भी ठंडा करके खाती है वो भी ठंडा हो जाता है ना रुद्र ने शायद पोटी कर दिया मुझे वो साफ करनी क्लीन करनी है पहले वो कर लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं रिद्धि को लेके बैठी हुई और उसे फीड करा रही हूँ क्योंकि वो चुप नहीं हो रही थी बहुत देर से रो रही थी और मुझे एक घंटा होने जा रहा है 4:42 हो रहे हैं एक घंटे से ज़्यादा हो गया और ये फीड भी नहीं कर रही बस मतलब फीड तो नहीं कर रही पर इसको ऐसा रहता है कि हाँ
ये अपनी माँ के पास है और बड़ी मुश्किल से मेरी गोदी में सो गई है ये। ऐसे में से दो बार सुला चुकी हूँ। पहले मैंने सोचा लेटे लेटे फीड कराने की कोशिश करती हूँ, पर ना मुझसे वो हो पाया। मैंने कोशिश तो करी, ये कर भी रही थी, पर एक बार बार जग जाती थी। तो मैं बैठ के ही करा रही हूँ फाइनली। और डेढ़ घंटा होने जा रहा, 5 बजने वाले हैं, 4:44 हो गए हैं। और अब फाइनली सोई तो है ये, अब थोड़ी देर से गोदी में रखूँगी ताकि इसकी नींद अच्छे से गहरी हो जाए, उसके बाद में सोऊंगी। और मम्मी भी सो चुकी है, और अभी मैं जब आप लोगों से बातें कर रही हूँ तो मम्मी एकदम से उठ गई कि किससे बातें कर रही है। फिर मम्मी देख के वापस सो गई। तो ये है एक न्यू मम्मी, नई माँ की लाइफ, बट अब एंजॉइंग इट, कोई नहीं सह लेंगे। इनकी मम्मी इनके लिए इतना तो कर ही सकती है ना रिद्धु, है ना रिद्धु, मम्मा इतना तो कर ही सकती है आपके लिए। विश्वास नहीं करोगे, मैं सोई भी 1:30 बजे थी और मैं फिर से 3:30 बजे उठ गई थी वैसे तो, पर इसको कोशिश करते करते अब 5 बजने वाले हैं, उसके बाद में सोऊंगी। इसलिए मैं आजकल डेली लेट हो जाती हूँ सोने में, और मेरी आंखें बहुत ज़्यादा जल रही है, आंखें जल रही, कमर भी दर्द हो रही है। बट क्या करूँ, अपने बच्चे के लिए करना पड़ता है। माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा, मेरी जगह कोई और ले भी नहीं सकता ना जो मैं कर सकती हूँ। तो मेरा बच्चा देखो थोड़ी थोड़ी आंखें खोल रही है और सो रही है, तो मैं उसको अच्छे से सुला देती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से सुबह, मतलब मॉर्निंग में। वैसे तो मॉर्निंग हो चुकी है, 5 बजने वाले। तो ये देखो शायद आपको दिख रहा होगा, वॉच में बज रहे हैं 4:49। गुड मॉर्निंग। तो अब मैं उठी थी, कितने बजे उठी हूँ मैं, 9:30 बजे उठी हूँ। रिद्धि ने बहुत परेशान किया सुबह, बड़ी मुश्किल से सोई थी ये 5 बजे, आप लोगों ने देखा ही। और अभी भी दोनों को फीड कराया है, ये रिद्धि तो अभी जग रही है, देख रही टुकुर टुकुर, और रुद्र को मम्मी डकार दिला रही है। और अभी इन दोनों के डायपर वगैरह चेंज किए, थोड़ी देर अब इनको ओपन रखेंगे क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है उसको थोड़ी एयर भी लगनी चाहिए। उसके बाद मम्मी मालिश वालिश करके इनको नहलाएंगे हम। वैसे आज मौसम भी अच्छा है, मतलब धूप भी निकल रही है, इतनी ठंड नहीं है, तो इनको नहला देंगे। कल नहीं नहलाया था ना मम्मी अपन ने, हाँ कल नहीं नहलाया था, कल वो था बादल हो रहे थे, धूप तो निकली थी पर इतनी अच्छी धूप नहीं थी, थोड़ी ठंड थी। और आज अच्छी धूप भी निकल रखी है, तो इनकी मालिश वालिश करके इनको नहला देंगे। अभी अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त हैं, उसमें लगे हुए हैं। तो अभी बच्चों को धूप लगा के आए थे, अब इनकी मालिश होगी और अभी हमसे मिलने आए हैं पीहू। पीहू और मेरू, मेरू इधर देख, हेलो बोल दो, हेलो। ये पीहू और ये मेरू, पीहू से तो बहुत मिल चुके हो। तो अभी भाभी साहब भैया भी आए थे, वो किसी काम से मतलब गए हुए हैं, बच्चों को यहीं छोड़ दिया था, तो अभी खेल रहे हैं बच्चे तो यहाँ पे। और हमारा हर्ष वो भी ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है। मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। अब बाल सही करूँ या इसको संभालूँ, तो ये रोने लग जाती है, हैं रे। तो तब से मैं और मम्मी लगे हुए हैं और अब जाके फ्री हुए हैं, इन दोनों को नहा दिला के अब सुलाया है। रिद्धि तो सो गई, पर रुद्र सो गया था और फिर उठ गया है और फिर से ऊँ कर रहा है, और अब मुझे नहाना है, तो मैं अब नहाऊंगी और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप आपको आज का ये स्वीट एंड शॉर्ट सा व्लॉग, शॉर्ट तो शायद नहीं है, वो तो एडिट करने में पता चलेगा, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और अब आपको इसी तरीके से आप सोचोगे कि रोज़ घर के अंदर का बनाती तो ऑब्वियसली मैं बाहर जा नहीं सकती, और अब मेरे लिए मेरे बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको आपसे व्लॉग हमेशा, अब मैं एक माँ भी बन चुकी हूँ मम्मी, तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है अभी तक तो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खमा गणिसा।